299,300 हम लोगों ने लिख लिया था, कल पूरा हो गया था, ठीक है ना। जो ब्रीफ नोट्स आपको जो लिखाए जा रहे हैं उनको ये मान लो कि इतना तो कभी भी कोई पूछे हमें तो वो हमेशा हमें याद होना चाहिए, ठीक है, वो तो हमें हमेशा ही याद होने चाहिए। तो मान लो जो कल क्लास में नहीं था, फिर भी देखो एक चीज और है कि क्या होता है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यदि वो सेक्शन वो चीज ना पढ़ी हो तो दूसरी उसके ऊपर बेस्ड है वो पढ़नी पड़ती है, अन्यथा तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन वो बंच होता है, जैसे अभी 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309 यहां तक का एक बंच है ये, लेकिन इसका कोई संबंध 310 से नहीं है, नो नीड, इनका पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक बंच है, एक ही है ये सेक्शन, आप समझ सकते हो। सेक्शंस पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक चीज यहां कंप्लीट हुई दूसरी यहां, इसलिए लिखा गया है, लेकिन चीज यहां से लेकर और यहां तक ये एक ही है, इसी के स्वरूप है अलग अलग। दीज आर डिफरेंट मोड ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ठीक है ना, तो ये अलग अलग स्वरूप है और कुछ नहीं है। लेकिन मान लो 511 पढ़ाना है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, 511 से भी शुरू किया जा सकता है, आईपीसी को उल्टा भी पढ़ाया जा सकता है। मैंने पढ़ाया ये तोड़ने के लिए, भ्रम तोड़ने के लिए, जैसे स्टूडेंट कई बार सोचता है जी हम तो बीच में से आए हैं शायद हमें समझ में नहीं आएगा, नहीं 101% समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि पीछे का और आगे का कोई तालमेल नहीं है इसका। हाँ लेकिन मैं ये पढ़ा रहा हूं तो ये जरूरी है जानना, ठीक है। तो जो लोग 299 में नहीं थे या 300 में नहीं थे, मैं पढ़ा चुका ये, तो उन्हें समझने के लिए थोड़ी सी सहयोग करने के लिए फिर मैं ब्रीफ करता हूं, जिससे जो आज नया है कोई तो उसको ये समझ में आ जाए कि ये क्या है। देखो नए में कौन है आप में से, नया स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, ठीक, 4 लोग नए हैं। देखो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, एक चीज है मृत्यु, ब्रीफ में ही समझाऊंगा बाकी अलग से आपको पढ़ा देंगे, और एक चीज है मृत्यु। तो मृत्यु कई तरीके से होती है, एक बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति ने हर चीज को नाशवान बनाया है, हर चीज की एक न एक दिन मृत्यु हो जाती है, वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, वो एक अलग बात है कब नहीं रहेगी, हर चीज नाशवान है, ठीक है ना। तो ऐसे ही शरीर का विनाश होता है, अविनाशी जो ज्ञानी कहते हैं, अविनाशी तो उसको मानते हैं जो आत्मा है हम सबके अंदर, उसे अविनाशी कहा गया, अविनाशी उसका नाश नहीं होता, उसके संबंध में यह कहा जाता है कि जगत भी नहीं था उससे पहले भी थी, वो अविनाशी है, एक तरह से प्रकाश,
एक तरह से जीवन, ठीक है, तो मृत्यु प्राकृतिक भी होती है। दूसरी तरीका है दुर्घटना, दुर्घटना से भी मृत्यु होती है, एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, और किसी दूसरे के द्वारा भी एक्सीडेंट हो जाए। दुर्घटना कई प्रकार की है, दुर्घटना एक्सीडेंट कई प्रकार का है। एक एक्सीडेंट मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए, अभी थोड़े दिन पहले रेल आपस में 3 रेल भिड़ गई, वो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट में भी बहुत सारे लोग मरे, 300 से ज्यादा लोग मर गए उसमें, वो दुर्घटना है। तो नॉन पनिशेबल है ये, ऐसे ही ये भी यही है। अब ये दुर्घटना किस तरह की हो सकती है, दुर्घटना किस तरह की हो सकती है, ये कई प्रकार की हो सकती है। एक एक दुर्घटना का एरिया दिया हुआ है आईपीसी में 76 से लेके 106 तक का, ये दुर्भाग्य है, मतलब दुर्भाग्य से या दुर्घटना से जो कुछ भी हो जाता है, इट इज नॉट पनिशेबल बाय दिस पीनल कोड और एनी अदर पीनल कोड, कोई कानून उसे दंडित नहीं करता। ऐसी दुर्घटनाएं 76 से 106 तक है। अन्य दुर्घटनाएं वो भी है, एक मृत्यु हो सकती है चोट से। अब चोट भी दो प्रकार की हो सकती है, किसी ने पहुंचाई हो या स्वयं लगी हो। तो जो स्वयं चोट लग जाए वो पनिशेबल नहीं है, लेकिन दूसरे ने पहुंचाई हो अन्य व्यक्ति ने पहुंचाई हो तो ये क्या है, अन्य व्यक्ति ने किस तरह पहुंचाई है, अन्य व्यक्ति ने किस तरह पहुंचाई है, इट मे बी पनिशेबल, इट मे नॉट बी पनिशेबल, कम दंड भी हो सकता है, मात्र जुर्माने का दंड भी हो सकता है, चोट भी पहुंचाएगी दंड भी हो सकता है, जुर्माने का भी दंड हो सकता है, मृत्यु भी हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, पुनः देता हूं, एक आदमी ने अंगूठी खरीदी और अंगूठी खरीदने वाले ने यह सोचा कि मैंने 100 रुपए की अंगूठी खरीदी है तो मेरी अंगूठी बिल्कुल सोने की तरह चमकती रहेगी, लेकिन वो चमकती नहीं रही। दूसरे तीसरे दिन वो अंगूठी वो काली पड़ गई। जब दोबारा बेचने आया तो जिसने अंगूठी खरीदी थी उसे गुस्सा आया और उसने एक खपरेल का टुकड़ा उठाया और उसको ये कुछ बोलते हुए कि तूने मुझे गलत अंगूठी दे दी, और यूं मार दिया। उसने गर्दन घुमाई यहां लगा और वो आदमी मर गया। क्या थी, सिर्फ चोट थी। क्या थी, चोट, चोट पहुंचाने का इरादा था, चोटी थी, लेकिन आदमी तो मरा। तो चोट में आदमी ऐसे मर जाए तो उसे सजा चोट की मिलेगी, मृत्यु की सजा नहीं मिलेगी। किसकी सजा नहीं मिलेगी, तो चोट तो ऐसे भी आदमी मर सकता है, लेकिन सजा चोट की मिलेगी जो चोट में दी हुई है, ठीक है। दूसरी स्थिति है कि मारने का इरादा हो या चोट पहुंचाने, ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा हो जिससे मृत्यु की संभावना है, मारने का इरादा हो या चोट पहुंचाने का इरादा हो और ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा हो जिससे मरने की भी संभावना है, या ऐसे ज्ञान से चोट पहुंचाई गई जिससे मृत्यु की संभावना है, तो उसको कहा गया आपराधिक मानवध। क्या कहा,
जो 299 में है, यही तीनों बात और एक चौथी बात जोड़कर हत्या से भी, हत्या से भी चोट पहुंचाई जा सकती है। किससे चोट पहुंचाई जा सकती है? हत्या से। तो ये 300 में दे रखी है और ये 299 प्लस 300 में दे रखी है। 300 का मतलब एक्सेप्शंस में दे रखी है। ठीक है, एक हत्या से भी हो सकती है। हत्या का मतलब मृत्यु के इरादे से काम किया और मार दिया। इरादा क्या था? What was intention to causing death? And such act caused him death. उसकी मृत्यु में उतार दिया, उसको कर दिया उसकी। ठीक है, एक तरीका यह हो सकता है। चोट पहुंचाने का इरादा था, चोट ऐसी थी कि ये नॉलेज थी कि इस चोट से आदमी मर सकता है, तो भी हत्या है। चोट पहुंचाने का इरादा था और चोट ऐसी थी कि सामान्य तौर पर आदमी की मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है। चोट ऐसी थी आदमी की मृत्यु करने के लिए पर्याप्त है, या ऐसा काम कर दिया जो इतना डेंजरस है, इरादा नहीं है लेकिन काम ऐसा डेंजरस है कि वो मृत्यु करेगा। चार बातें बताई मैंने, एक तो चोट पहुंचाने के इरादे से किया हुआ काम। कैसा काम? चोट पहुंचाने के इरादे से किया काम, चोट का इरादा। मतलब देयर इज इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन है और मर भी गया। दूसरा बॉडीली इंजरी का है, बॉडीली इंजरी का इंटेंशन है और आदमी मर गया। तीसरा भी बॉडीली इंजरी का ही है लेकिन इंजरी ऐसी है कि सामान्य तौर पर नेचर में कोई बचता नहीं है उससे, सामान्य तौर पर बचता नहीं है। जैसे सर पर लठ मारा, पर्याप्त है मृत्यु करने के लिए। एक छोटा सा बच्चा है, ऊपर से उन्हें उछाल दिया, आदमी शायद उस पर ना मरे इतनी चोट से, लेकिन बच्चा मर सकता है, तो वो भी हत्या है। या चौथी बात, काम ऐसा डेंजरस है, कैसा? घातक, मतलब खतरनाक काम, तो हत्या है। क्या है? हत्या। चार तरीके से हत्या होती है, या तो चोट पहुंचाने के इरादे से मार दिया, सॉरी मारने के इरादे से इरादा मारने का है और मार दिया, मारने का इरादा मार दिया। दूसरा चोट पहुंचाने का इरादा पर उस चोट में मर गया, उस चोट पहुंचाने का इरादा लेकिन मालूम है कि ऐसी चोट मार देगी, ज्ञान है, ऐसी चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त है, और खतरनाक काम कर दिया। जैसे 100 की स्पीड से भरे बाजार में गाड़ी चला दी, बोले मैं थोड़ी मारना चाहता था किसी को, हत्या है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, तोप चला दी, क्या चला दी? तोप चला दी, वो जी मैं थोड़ी चाह रहा था मारना किसी को, ठीक है। देखो ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अपने आप को फिक्स करिए, इन चार ऑप्शन से बाहर कुछ नहीं है। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं है। चार बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए पहले। पहली, मारने का इरादा, बॉडली इंजरी करने का इरादा, बॉडली इंजरी प्लस सफिशियंट टू कॉज डेथ और खतरनाक काम। इन चार से ही
चार से ही क्या होती है, हत्या होती है। अब जैसे ये पूछना चाहता है बच्चा, एक मामला इस तरह का आया, वो सिर्फ इस पे है, इंटेंशन पे है। किस पे? इरादे का मतलब इंटेंशन। इंटेंशन पे क्या है, एक केस आया। केस कैसा था कि एक आदमी दूसरे को मारना चाहता था, मानना चाहता था, चोट पहुंचाना चाहता था, मानना नहीं चाहता था, सिर्फ चोट पहुंचाना चाहता था। क्या चाहता था? सिर्फ चोट पहुंचाना चाहता, मानने का कोई इरादा नहीं था। चोट पहुंचाई, वो बेहोश हो गया, वो घबरा गया, उसने सोचा मर गया। उसने उस आदमी को तालाब में डाल दिया, तालाब में डाल दिया, तालाब में जाके पानी से उसकी मृत्यु हो गई। जब बाहर निकाला गया तो उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पता चला, पहले भी गौर से सुनो, कुछ ध्यान मंद हो, एक आदमी ने चोट पहुंचा दी, चोट पहुंचाने का इरादा था, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये मर जाएगा, क्योंकि वो आदमी बेहोश हो गया, उसने सोचा मर गया, मर गया, उठा के उसने क्या किया, नदी में डाल दिया। आदमी को जब निकाला गया तो ये जानने की कोशिश की कि मृत्यु का कारण क्या था। मृत्यु का कारण आया पानी से डूबना। तो प्रश्न ये उठा, ये केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है, बल्कि प्रिवी काउंसिल के टाइम पे आया था। कि इसे हत्या माने कि नहीं माने, तो केवल जो पहला इंसिडेंट है इस पर आधारित केस है। ये कौन सा? टू कॉज डेथ विद इंटेंशन। डेथ का कारण क्या है? इंटेंशन। तो इंटेंशन था उसका, कह रहा है कि जी मेरा तो था चोट पहुंचाने का, चोट की सजा मुझे दे दो, हत्या की नहीं। तो जिस समय ऑफेंस हुआ उस समय जो इसका इंटेंशन था वो क्या था? उसका इंटेंशन चोट पहुंचाने का ही था। इस मामले में जजेस कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा बात तो सही कह रहा है, वकील होशियार है। उन्होंने कहा उस समय गिल्टी माइंड था ही नहीं इसका, इस तरह का मानने वाला। अब थोड़ा सा इंटेंशन को समझने की कोशिश की, मैंने इंटेंशन की डेफिनेशन दी थी, किसकी? डेफिनेशन दी थी, क्या दी? डेफिनेशन में क्या बात बताई? कार्य परिणाम की जानकारी, नॉलेज ऑफ एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। नॉलेज ऑफ एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस मतलब, एक्ट मतलब कार्य क्या किया आपने, प्लस परिणाम क्या निकलेगा जो काम कर रहे हो, और उसकी जानकारी, उसका ज्ञान। ये क्या होती है? इंटेंशन की डेफिनेशन है। तो जब वो कहता है कि जी मुझे, मेरा इंटेंशन था ये मर सकता है, कार्य जो मैं कर रहा हूं वो ऐसा है, परिणाम जो निकला बेहोश हो गया, लेकिन क्या तुम्हें मरने का ज्ञान था कि ये मर जाएगा? यदि तुम्हें ये ज्ञान था मरने का, तो चाहे फिर डूबने से ही मृत्यु हुई हो। ये इसके सेकंड पार्ट में चला जाएगा। कौन सा? बॉडीली इंजरी का था इंटेंशन, बॉडीली इंजरी का था, लेकिन ज्ञान था कि मृत्यु संभाव्य है, उसकी संभावना है। तो यही सेम एग्जांपल जो मैंने भी आपको दिया चला जाएगा, कहां चला जाएगा? हत्या में। लेकिन बॉडीली इंजरी का था, ये कोई ज्ञान नहीं था कि ये मर जाएगा, मैं तो डर गया इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर बॉडी को पानी में क्यों फेंका? डर गया था इसलिए। मुझे साक्ष्य विलोपन, कौन सा?
दिस अपीयरेंस ऑफ